नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुजी का स्कूल में। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? सबसे पहले तो आप सभी के लिए एक नोटिस है, जो भी CPO 2018 के कैंडिडेट्स थे जिन्होंने भी मेडिकल कराया था और मेडिकल में किन्हीं कारणों से बाहर हो गए थे, तो उनके लिए रिव्यू मेडिकल के लिए एक्सेप्टेंस आ गया है। जिन्होंने भी अप्लाई किया था, तो जो आपके मेडिकल कराए जाएंगे वो कराए जाएंगे आपके 23rd ऑफ नवंबर से 2020 टू आपके 7th ऑफ दिसंबर 2020। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको BSF की वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसका हाइपरलिंक आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। ये नोटिफिकेशन आपको SSC की वेबसाइट पर मिलेगी और आप इस डायरेक्ट वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो, bsf.gov.in। तो जो भी आपकी एडमिट कार्ड रहेंगे, जो भी आपके मेडिकल की डेट्स रहेंगी, वो आपको इन्फॉर्मेशन में मिल जाएंगी BSF के ऑफिशियल वेबसाइट पे। दोस्तों बात करते हैं, जो हमने एक सर्वे कंडक्ट कराया था आपके लिए, वो सर्वे अभी चल ही रहा है। SSC MTS 2019 की जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, फाइनल कट ऑफ, फाइनल सिलेक्शन के लिए डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट कैटेगरीज के लिए दोनों एज ग्रुप में वो क्या हो सकती है, इसके रिगार्डिंग हमने एक सर्वे कंडक्ट कराया है। अभी उसमें कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि काफ़ी कम कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी तक लगभग 418 या 420 के अराउंड ही कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया है, या मे बी 415 के अराउंड। अभी एग्जैक्ट डाटा अभी दिखाने वाले आपको। तो इसमें अगर सक्सेसफुल बनाना है आपको, अगर आपको अपनी फाइनल कट ऑफ को पता करना है, या थोड़ा एजम्पशन लग जाए कि आइडिया लग जाए कि कितने तक सिलेक्शन हो सकता है कितने तक नहीं, तो उसके लिए आपको इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करना होगा। जिन भी मेरे साथियों ने जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है MTS 2019 का और जो टायर टू में सिलेक्ट हुए हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए, तो वो ये फॉर्म जरूर भर ले। इसमें हमने सिर्फ पूछा है आपके जो टायर वन के मार्क्स हैं, टायर टू का जो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन उसके जो मार्क्स हैं, आपकी जो कैटेगरी है, जो ज़रूरी चीज़ें हमने सिर्फ वो पूछी हैं, कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं पूछी है। जो आपका स्टेट प्रेफरेंस है वो क्या है, कंप्लीट स्टेट प्रेफरेंस, उससे आइडिया लग जाएगा कि आपको किस स्टेट में कितने चांसेस रहेंगे सिलेक्शन के। आपकी एज क्या थी, जो आपकी कट ऑफ डेट थी क्रूशियल डेट 1/8/2019 को, आपकी एज क्या थी, आपका एज ग्रुप क्या है, 18 से 25 है या 18 से 27 है, या आपको अपना एज ग्रुप नहीं पता है तो वो भी आप ज़रूर बताएं। अगर आप किसी ऑलरेडी जॉब में सिलेक्टेड हो अच्छी जॉब में MTS से, या काफ़ी अच्छे चांसेस है आपके MTS से किसी बेटर जॉब में सिलेक्ट होने के, तो वो भी हमें बताएं कि है या नहीं, या शायद हो सकते हैं, यस नो मे बी, विल यू स्किप SSC MTS 2019 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जस्ट टू हेल्प योर फेलो एस्पिरेंट्स। अपने साथियों को हेल्प करने के लिए, इन केस आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हो या आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होने वाला है, तो क्या आप MTS के डिग्री को स्किप कर दोगे? तो इसके बारे में हमने कुछ क्वेश्चन पूछे थे और हमने आपसे कुछ कहा था कि सजेशन भी दे सकते हैं आप हमारे चैनल के लिए, कि आप क्या देखना चाहेंगे हमारे चैनल में, आने वाले समय में क्या इंप्रूवमेंट आप देखना चाहेंगे। तो आपने कुछ सजेशंस भी दिए हैं, इसके बारे में हमने कल की वीडियो में बात की थी, कल मॉर्निंग में एक वीडियो डाली थी, हमने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी आपसे कि आप पार्टिसिपेट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहे हैं, हमारे टेलीग्राम डॉट ग्रुप में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो कट ऑफ का आइडिया लगाना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि 20,000 आपके कैंडिडेट्स हैं और उनमें से अभी देखते हैं कितने कैंडिडेट्स ने अभी तक पार्टिसिपेट किया है। ये कुछ रिस्पॉन्सेज आए हैं अभी तक जो आपके सर्वे कंडक्ट कराया हमने आप सब के लिए, हम सब के लिए मिलके, तो उसमें कुछ रिस्पॉन्सेज आए हैं। जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया है वो अभी तक 417 ने किया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 417 ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें से आपने अपने मार्क्स भी बताए हैं, कुछ कैंडिडेट्स ने मार्क्स बताने में कुछ गलतियाँ भी कई की हैं, या कुछ और इन्फॉर्मेशन देने में कुछ गलती की है, तो वो थोड़े बहुत चल जाएंगे, एक या दो इक्का दुक्का है वो, लेकिन जब तक आपकी ये मिनिमम, मेरा मानना है कि 5,000 तक पहुंचना चाहिए। 20,000 आपके टोटल कैंडिडेट्स हैं, तो 400-500 से काम नहीं चलेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करना होगा। और हम चाहते हैं कि जो हमारे फेलो यूट्यूबर्स हैं, जो हमारे सीनियर यूट्यूबर्स हैं, जो अच्छे यूट्यूबर हैं, वो भी इस सर्वे को आगे फॉरवर्ड करें ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए। हालांकि देखो उनकी नज़र में मे बी ये कुछ अच्छा काम ना हो या अच्छा काम हो, पर उनको सपोर्ट जरूर करना चाहिए, हमें उनसे रिक्वेस्ट करनी होगी कि हमें एटलीस्ट सपोर्ट करें इस सर्वे को आगे बढ़ाने में। दोस्तों एक और चीज़ हम करने वाले हैं जल्दी, आपका एक कैंपेन शुरू करने वाले, ट्विटर कैंपेन, जिसमें आपकी वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए। इसमें काफ़ी यूट्यूबर्स भी आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, उनको करने भी चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है SSC के एग्ज़ाम्स में। जब तक आपकी वेटिंग लिस्ट का इशू नहीं सॉल्व होगा, तब तक काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे ही, आपकी काफ़ी वैकेंसीज खराब होती रहेंगी और काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे वेटिंग लिस्ट के बिना जॉब नहीं मिलेगी उनको, और मे बी उनकी लास्ट चांस हो तो काफ़ी हेल्प होगी। तो अभी देखिए जो डाटा आया, इसमें काफ़ी कैंडिडेट्स के मार्क्स 85 से ज़्यादा हैं, अभी तक सारों के 85 से ज़्यादा है, लेकिन काफ़ी के 85 से कम भी हैं, कुछ के 80 से भी कम हैं, 75 के अराउंड, लेकिन वो कैटेगरीज ऐसी हैं जो अदर कैटेगरी हैं, मतलब OBC,
EWS UR से अलग है, SC ST से भी कम है, मतलब VH है, HH है या और अदर कैटेगरी उनके ही 80 से कम है अभी तक देखने को आया है। लेकिन ये अभी सिर्फ 417 कैंडिडेट्स का है, तो 417 से हम अनुमान नहीं लगा सकते कि आपको कट ऑफ क्या हो सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई अपने, जो आप यूट्यूबर्स को फॉलो करते हो, जिस भी यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हो, उनको रिक्वेस्ट करेंगे सर ये सर्वे इसको एक बार अपनी वीडियो में बता दीजिए, अपने व्यूवर्स को बता दीजिए कि आपके जो भी व्यूवर्स हैं MTS 2019 के जिन्होंने भी टायर 2 क्वालिफाई किया है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने वाले हैं, तो वो एटलीस्ट इसको एक बार देख लें, एक बार इसको फिलअप कर दें, आइडिया लग जाएगा जो भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एटलीस्ट पॉजिटिव वे में आगे प्रिपरेशन कर पाए। क्योंकि देखिए जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आता, आपका फाइनल रिजल्ट आएगा लगभग फरवरी के अराउंड, अभी DV की डेट जो टेंटेटिव बताई थी हमारी RTI के थ्रू रिप्लाई आया था, वो आपके दिसंबर 2020 में होने वाला है। अगर उस हिसाब से आपका प्रोसेस चलता है, इनके दिसंबर में भी होता आपका DV, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट रहेगा वो नियर अबाउट जाएगा फरवरी के अराउंड जाएगा, फरवरी या मार्च के अराउंड 2021 में, तो तब तक जाएगा। तो तब तक क्या, तो आपके काफ़ी एग्जाम्स हैं, आपका CGL भी है अभी चल रहा है, आपके NTPC के एग्ज़ाम भी होंगे, आपके रेलवे के एग्ज़ाम भी होंगे, एंड आपका CHSL भी हो जाएगा मार्च में स्टार्ट। तो काफ़ी प्रेशर बनाएगा कैंडिडेट्स के माइंड पे कि सिलेक्शन होगा या नहीं, तो एटलीस्ट एक क्लियर हो जाए कि हाँ उनके चांसेस हैं या नहीं। क्योंकि अगर सभी सर्वे में पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि 20,000 के 20,000 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर लें, तो मिनिमम अगर 5,000 भी पार्टिसिपेट करें तो काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि हमारे एग्जैक्ट कितने मार्क्स हैं। 400-500 से कोई आइडिया नहीं लगेगा, क्योंकि 400-500 वही है इसमें अभी तक जिनके मार्क्स थोड़े अच्छे हैं। हम सबको पता है कि ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिनके कट ऑफ से पॉइंट में ज़्यादा है, 81 पॉइंट समथिंग, ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिनके कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा 95 के अराउंड भी मार्क्स हैं कैंडिडेट्स के, 94-95। इस लिस्ट में अभी आप देख सकते हैं काफ़ी कैंडिडेट्स के, कुछ कैंडिडेट्स के 95 के अराउंड भी है, ये देखिए 95 है, 91 है, 82 के अराउंड भी हैं आपके, 54 तो HH कैटेगरी से हैं ये, और 77 भी OH, तो OBC से 82 पॉइंट समथिंग है किसी के, EWS से 81 पॉइंट समथिंग है, OBC से 81 पॉइंट समथिंग है, ST से 74 पॉइंट समथिंग है। डिफरेंट कैंडिडेट्स के डिफरेंट मार्क्स है, डिफरेंट प्रेफरेंस है, स्टेट ऑफ प्रेफरेंस। तो आप जितना ज़्यादा इसे शेयर करोगे, मेन मुद्दा यही है कि जितने ज़्यादा कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे उतना बेहतर रहेगा आप सबके लिए, और जल्द से जल्द इसका रिजल्ट आ पाएगा। हम सोच रहे थे कि जल्द से जल्द इसमें एटलीस्ट 5,000 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर लें, तो आपका हम जल्द से जल्द सर्वे एनालिसिस करके आपके लिए कोई कट ऑफ बता दें कि भाई इस डेट में आपकी ये कट ऑफ रह सकती है। नहीं तो वही आपकी कंफ्यूजन रहेगी, हमारी कंफ्यूजन रहेगी कि भाई सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आगे की तैयारी कैसे करें, माइंड पे एक बर्डन रहता है। ये आप समझ सकते हो, आप खुद एक कैंडिडेट हो, खुद एक एस्पिरेंट हो। तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, इस वीडियो को भी आप शेयर कर सकते हो अपने साथियों के साथ, अपने डिफरेंट यूट्यूब चैनल के साथ, या एटलीस्ट आप सर्वे का लिंक जरूर शेयर कर दें जिससे कि काफ़ी हेल्प मिले। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि हम जो भी सर्वे आपके लिए लाएँ, या जो भी RTI के थ्रू इन्फॉर्मेशन लाएँ, या जो भी एजुकेशन मटेरियल आपको प्रोवाइड कराएं, या आपकी तैयारी में कुछ हेल्प करें, तो वो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच पाए और वो मिस ना कर पाओ। क्योंकि तो दोस्तों हम प्लानिंग कर रहे हैं कि आपके जो साथी और आने वाले हमारे, जो न्यू स्टार्ट करने वाले हैं, उनको थोड़ी हेल्प करवा पाएं कि आप अपने एग्ज़ाम कैसे क्रैक कर सकते हो, कैसा अच्छा स्कोर कर सकते हो। जो गलतियाँ हमने की हैं अपने टाइम पे, या डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन हो, या आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हो, आपका CHSL हो, MTS हो, CGL हो, या कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, तो उसमें आप कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे कि आपका स्कोर डाउन जा सके या आपको बाद में पछताना पड़े। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, आपको और अच्छे यूट्यूब चैनल भी मिलेंगे, आप उनको भी फॉलो कर लेंगे तो भी अच्छा ही रहेगा, वो भी आपको अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, आप उनको ज़रूर फॉलो करें जो भी आपको जनरल मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, और ऐसे चैनल्स को अवॉइड करें जो आपको भ्रामक इन्फॉर्मेशन दें या हाइप क्रिएट करते हैं। तो आप काफ़ी अच्छे यूट्यूब चैनल, उनको ज़रूर फॉलो करें, हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आप आने वाली कोई भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन या अपडेट मिस ना कर पाएं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें अपने साथियों के साथ, और इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए नई नई वीडियोस लाने के लिए। दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, हम आपके मोस्टली कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं, उन कमेंट्स को हम स्किप कर देते हैं जो बार बार रिपीटेटिव हो रहे हों, या सेम कैंडिडेट के बार बार आ रहे हों, या उस कमेंट का रिप्लाई हमने किसी और के कमेंट में दे रखा हो, या वीडियो में उसका जिक्र किया हो। तो आप हमारे टेलीग्राम डाउट ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी अपने डाउट पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको डिफरेंट कैंडिडेट्स भी मिलेंगे अपने डिस्कशन करते हुए, अपनी प्रिपरेशन का डिस्कशन करते हैं वो, या जो उनके आने वाले एग्जाम्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम डाउट ग्रुप को ज्वाइन कर लें। अगर आप टेलीग्राम पे अवेलेबल नहीं है, या आपका उधर कोई क्वेश्चन अदर क्वेश्चन है, तो आप हमें
ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आप आने वाले ट्विटर कैंपेन से अपडेट रहें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना सही है, यही आपसे कहना था कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस सर्वे को। इस सर्वे का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे कि आपका डाटा ज़्यादा से ज़्यादा आ पाए। देख सकते हैं अभी काफ़ी आए हैं, लेकिन अभी इतना सफिशिएंट नहीं है कि आपका ये सर्वे रिजल्ट आ पाए। 417 कैंडिडेट्स ने अभी तक पार्टिसिपेट किया, तो जितने ज़्यादा होंगे उतना बेहतर रहेगा। इनमें कुछ 4-5 कैंडिडेट्स डुप्लीकेट भी होंगे, तो अभी तक लगभग आपका 410-12 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, परिवार वालों का ख्याल रखें, घर में रहें, स्वस्थ रहें, स्टे होम स्टे सेफ स्टे हेल्दी। धन्यवाद, जय हिंद।